हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ट्रेडिंग विद सेफ मनी के अंदर। आज हम मार्केट एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल रखा है और देखिए किस तरह चार्ट को एनालिसिस करना आप भी सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मार्केट में फर्स्ट कैंडल ही हैमर बनाता है, तो हैमर क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट अपसाइड में जाएगा। तो यहाँ पे संकेत भी दिया कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। आप सेकंड कैंडल भी देख सकते हो, बट लोगों ने एंट्री भी ली और लोगों ने एसएल क्या रखा, कैंडल का लो। पर मार्केट है दोस्तों, एसएल खाकर ही ऊपर जाता है, तो मार्केट डाउन साइड में आता है, लोगों को एसएल खाता है, फिर बायर्स की एंट्री होती है, क्योंकि रिट्रेसमेंट के साथ बायर्स की एंट्री हुई क्योंकि नीचे सपोर्ट लेवल था और मार्केट अप साइड में गया। दोस्तों ये जो डाउन के अंदर आप कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल फॉर्मेशन आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ये भी हैमर की तरह काम करती है और मार्केट को अप साइड में लेके जाती है। इसमें टारगेट आप 1:2, 1:3 का रख सकते हैं। दोस्तों ये जो बीच में आप रेड कैंडल्स देख रहे हैं, इनसे घबराना नहीं है कि सेलिंग आएगी। ये मार्केट के अंदर क्या करती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है। और इसके साथ में आपको जबरदस्त चीज बताता हूँ। सो टॉप में आप देख सकते हैं तीन कैंडल का एक फॉर्मेशन बन रहा है जिसे रिजेक्शन कैंडल कहते हैं। फर्स्ट कैंडल बेरिश होती है जिसमें बुल्स हावी होते हैं, और सेकंड कैंडल दोस्तों आप देख सकते हैं जिसमें बुल्स और बेयर्स की जबरदस्त फाइट होती है, और थर्ड कैंडल डिसाइड करती है कि मार्केट में बुल्स अवेलेबल है या बेयर्स। ठीक है, तो थर्ड कैंडल ने हमें बता दिया कि मार्केट सेलिंग में जाएगा। तो जो बुल्स होते हैं उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करी, तो मार्केट में सेलिंग पावरफुल हो जाती है फ्रेंड। तो मार्केट डाउन साइड में आने को तैयार था, तो हमने भी यहाँ से एंट्री बनाई थी, हमने सेल की थी प्रीमियम। ठीक है, तो और ये जो बीच बीच में आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, यहाँ से ऐसा नहीं है कि बाइंग आएगी, ये क्या होती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो हमें मार्केट में बने रहना चाहिए, और अगर आपने एंट्री नहीं बना पाए हो तो आपको एक और देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर डबल डोजी बनाया मार्केट ने, तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट डाउन आएगा। और वो जो लाल वाला बटन है उसपे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।